लड्डू गोपाल का स्वागत हो गया है। सो गाइस ये है मंजू बा का लड्डू गोपाल और ये है सुमन बा का लड्डू गोपाल, कि दोनों कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। जो हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, वो इसी दिन हमारे पास आए थे, तो आज उनका बर्थडे है। उनके बर्थडे पे उन्होंने सबको इनवाइट किया है, आप देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, आप हमारे लड्डू गोपाल का गाइस आज हैप्पी बर्थडे है, आज ही के दिन हमारे पास ये आए थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और गाइस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है गाइस 1 दिसंबर और आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। गाइस इस शुभ दिन में हमने अपना फ्लैट का गाइस पार्टी रखा है और सारे गाइस जो भी गेस्ट है गाइस जिसको हमने इनवाइट किया है, वो लोग आज शाम तक 6 बजे के बाद सब यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर गाइस अभी क्या क्या चल रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल गाइस यहाँ पर अभी हम लोग ना लड्डू गोपाल का बर्थडे है गाइस, ना फुल सजा रहे हैं हॉल को, बहुत सुंदर था। तो यहाँ पर मेरे सारे भाई लोग मिलकर बैलून, गाइस बैलून देख सकते हो इतना सारा फुला लिए, और ये कहाँ लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये लगेगा यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ हमारी बुआ लोग, यहाँ पर गाइस हमारे लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा सजेगा। और यहाँ पर बुआ सारे लड्डू गोपाल यहाँ पर मतलब रखेंगे ना गाइस, यहाँ पर जिनके भी लड्डू गोपाल आएंगे अच्छा अच्छा। तो गाइज यहाँ पर जो भी लड्डू गोपाल लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल गाइज यहाँ पर पापा से मिलाते हैं। गाइज पापा क्या हाल चाल है? पापा भी गाइज फुल तैयारी में लगे हुए हैं अभी। और यहाँ पर मीरा बुआ अपनी, मीरा बुआ क्या हाल चाल है? यहाँ देख सकते हो जो भी यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं ना, उन सबको चाय पानी का जो व्यवस्था है वो हमारी मामी कर रही है और हमारे राहुल भाई भी हेल्प कर रहे हैं। और गाइज यहाँ देख सकते हो शुरू हो गया है। और हियर इज गाइज आवर सोनू भैया। सोनू भैया से हाय, क्या हाल चाल है, कैसा लगा आपको फ्लैट? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी है तो आपको वो भी देखने मिलेगा। अभी कम्युनिटी हॉल में ना गाइज फुल सिस्टम किया है खाने का, तो वहीं पर होगा। बहुत छोटी थी इसको मैं कितने साल बाद देख रहा हूँ, कितनी बड़ी हो गई है, काफी प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है। आपका नाम मैं भूल गया यार, ट्विंकल ट्विंकल। गाइज छोटे में ना बात ही नहीं करती थी, अभी बात करती हो ना? कौन सी क्लास में गई अभी? फोन में गई। तो गाइज अभी हम लोग पूरा तैयारी में लगे हैं, मस्त हमारे सारे भाइयों लोग, आपको मिलाता हूँ सबसे। तो ये गाइज है स्वास्तिक, शाश्वत, आदर्श और तन्मय भाई। यहाँ पर गाइज अक्षत है और ये है कृष्णा। अरे ये तो बहुत क्यूट है यार, बहुत छोटे से क्यूट से हैं। भाभी उनका गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं गाइज 1 2 3 4 टोटल 4 हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल, कैसे हैं आप? अभी हमारे लड्डू गोपाल के इतने सारे दोस्त, आज लड्डू गोपाल बहुत खुश हैं। सो गाइज फाइनल लुक आप लोग देखिए कैसा लग रहा है अभी। सो हियर इज गाइज फाइनल लुक, बहुत सुंदर लग रहा है गाइज। और लड्डू गोपाल तो काफी खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर बना है प्यारा सा रंगोली, ये सब देखिए गाइज कितना अच्छा लग रहा है। और अभी गाइज नीचे लंच हो रहा है, चलते हैं गाइज सबको अभी लंच करवाते हैं, खाना खिलाते हैं। सो गाइज आज बर्थडे है गाइज, आज बर्थडे है किंग का, हमारे लड्डू गोपाल का। और अभी जा रहा है केक कट हो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल का। गाइज यहाँ देख सकते हैं सभी लोग इकट्ठा हो गए और सज चुका है उनके लिए, डेकोरेशन हो चुका है। और हमारे लड्डू गोपाल किसको किसको इन्वाइट किए हैं ये देखिए आप लोग। गाइज हमारे लड्डू गोपाल को देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू लड्डू गोपाल। और इनका केक भी आ चुका है गाइज, अभी सब मिलके यहाँ पर केक कट करेंगे इनका। और यहाँ सब रेडी भी हो गए हैं। बोलो हेलो गाइज, आज बड़े सौभाग्य की बात है हमारे इस नए घर पे हमारे कन्हैया जी का पहला बर्थडे होने जा रहा है, आज उनका जन्मदिन है। और आप लोग भी हमारे इस कन्हैया का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद। कन्हैया के बंधु लोग भी आए हैं, सौभाग्य है कि मैं नए घर में इनका बर्थडे मना रहा हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवित्र सर्वावस्थान गतोऽपि वा अस्मिन् वन्दे।
ओम सूर्यो नमः समर्पयामि शांति पदस्य नमः वंदे विष्णु के मुख से एक कोई भजन हो जाए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया बात। जन पकड़ नरमी कलैया कन्हैया। बड़े प्रेम भाव से मनाया जा रहा है और जिसके जिसके पास भी हो वो भी अच्छे प्रेम भाव से अपने अपने लड्डू गोपाल जी का बर्थडे मनाए। कैसा लगा तुमको? जय गुरु मौसा। अरे वाह, सही टाइम में आए मौसा। चलिए आनंद नंद गोपाल का प्रसाद हमें मिल चुका है और वहाँ बट रहा है प्रसाद। मिल गया गाइस, क्या क्या है देखो, चॉकलेट, बादाम, काजू, किशमिश, वो सब थोड़ा लूट मारो। ओके, तो गाइस अभी शाम का 7 बज रहा है और सभी लोग गाइस आना शुरू हो गए हैं। और गाइस अभी सभी लोग आप देख सकते हो, मैं गाइस रेडी हो गया हूँ, हम तीनों, हम चार, मतलब पापा भी रेडी हो गए हैं, मम्मी फिलहाल थोड़ा रेडी हो रही है। बताओ हमारा थीम क्या था गाइस, यहाँ आप चेक करो। शिवम का भी गाइस सेम थीम और हमारे पापा का, शिवम का भी सेम थीम, सेम गाइस ड्रेसअप, और पापा का भी सेम, हमने कुर्ता पजामा ही किया था। फिलहाल हमारे लड्डू जो गोपाल है उनका केक कट चुका है, बर्थडे बन चुका है, अभी जा रहे गाइस। क्या क्या अरेंजमेंट है देख सकते हो, सारे लेडीज लोगों के लिए यहाँ पर पकोड़ा भी चालू हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यहाँ देख सकते हो रेनू बुआ को और भैया लोग यहाँ पर पकोड़ा भी खिला रहे हैं। भैया टेस्ट करोगे कैसा है? डिलीशियस, बहुत बढ़िया। गाइस अब हमारी मम्मी को देखिए और हमारी मौसी को देखिए, बताइए गाइस कैसे लग रहे हैं। अभी गाइस चलते हैं, बाकी लोग तो रेडी हो रहे हैं, अभी गाइस चलते हैं कम्युनिटी हॉल में, देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट हुआ है। और अभी गाइस धीरे धीरे सारे मेहमान अभी आना शुरू हो जाएंगे। चलिए गाइस नीचे का माहौल देखें, आप सभी लोग बैठ के क्रिकेट मैच चल रहा है आज। किसके किसके बीच में मैच है, कौन जीतेगा ये बताओ? इंडिया। ओके, पर कम्युनिटी हॉल का सिस्टम देखिए और यहाँ पर सारे जो बफर सिस्टम है वो लग चुका है। थोड़ी देर में इस सोसाइटी के सारे लोग आ जाएंगे और गाइस जो भी अपने गेस्ट है जिसको इसको हमने इन्वाइट किया था वो लोग आ जाएंगे। हम लोग खुद से गाइस ऐसा पार्टी सबको इनवाइट करना हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इतना मतलब प्राउड मोमेंट है ना यार ये। और ये सपना होता है गाइस सबके लिए कि हाँ हम भी कुछ ऐसा धूमधाम से करें, कोई भी सामान ले गाइस धूमधाम से करें। एंड बस गाइस सबके आशीर्वाद की वजह से, भगवान जी की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। ओ सूरज भैया क्या हाल चाल है, क्या पिया चाह रहे हैं? चाय है, चलो चाय इंजॉय करो आप। तो गाइस यहाँ कम्युनिटी हॉल लोग खाना खाएंगे और यहाँ से निकल कर मस्त यहाँ खड़ा होकर गाइस इंजॉय भी करेंगे। यहाँ का जो माहौल है ना बहुत सुंदर है, ठीक है, ऐसा लग रहा है गाइस कि हमने होटल बुक किया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और गाइस यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो हमारा पानी पूरी वो आ चुका है, जो यहाँ पर एरिया में जो सबसे बेस्ट पानी पूरी बनाते हैं ना वो भैया को हम लोग लेकर आए हैं। और गाइस टेस्ट करते हैं, बताते हैं गाइस कैसा बना है। और गाइस ये पहला स्टार्टअप हो रहा है पानी पूरी से, टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। गाइस देखते हैं कैसा टेस्ट पानी पूरी का।
उसने कैसा अभी रिव्यू लेते हैं सबसे। दादी कैसा है टेस्ट? बढ़िया बाबा, बढ़िया। अंकल जी आप बताइए कैसा टेस्ट है? सच में बढ़िया है। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। और गाइस फाइनली जो हमारे जो लेडीज है ना वो लोग तैयार हो गए हैं और आपको दिखाता हूँ खूबसूरती, खूबसूरती दिखाता हूँ। ये चेक करें गाइस, ये है चार घंटों का मेकअप। ये हमारी चाची प्यारी प्यारी बहुत सुंदर लग रही है। मौसी मम्मी उषा फुआ यही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये हमारी मीना बुआ भाभी जी बहुत प्यारी लग रही है गोल्डन गोल्डन में। और हमारी भाभी जी भी बहुत प्यारी लग रही है। और हियर इज गाइस आवर सुमन बुआ और मंजू बुआ जो कि बाप रे एकदम एलिगेंट सो ब्यूटीफुल एकदम वाओ गाइस। सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी का प्लान क्या है आप लोगों का? Just looking like a wow, इतना ज़्यादा भाव। बहुत भाव, सही बात है। So guys, ये आप लोग चेकआउट करें। पानी पूरी के पास सबसे ज्यादा भीड़ है। पानी पूरी गाइस पहला प्यार होता है सबका और वो चीज तो होना जरूरी है। खाइए खाइए भाभी आराम से। आप क्यों पीछे हैं? आपको जगह नहीं मिल रहा है? जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि हम जगह बनाते हैं आपके लिए। और गाइस हमने मेन्यू में क्या क्या रखा है आपको वो दिखाते हैं, ठीक है? ठीक हो गया गाइस पानी पूरी। गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये गाइस हमारे लड्डू गोपाल का केक है, बाकी यहाँ सैलेड, यहाँ पर गाइस टेस्टी टेस्टी यहाँ पर लाल मोहन, फिर गाजर का हलवा, ये क्या है मिक्स वेज है क्या? ये मिक्स सब्जी गाइस पूरी। और यहाँ पर पालक आलू का सब्जी, ये है पनीर बटर मसाला, एंड इसमें क्या है इसमें प्लेट है क्या नहीं रोटी। ओके गाइस यहाँ पुलाव है और ये है छोला है क्या? ये दाल मखनी। यहाँ पर गाइस आलू केला का चिप्स, आलू का चिप्स, और ये है मीठा चटनी। सो गाइस जो 4-5 घंटा लगाकर मेकअप किया है मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। हाँ, और आपने गाइस उनका आवाज सुन लिया होगा, अब जरा उनको भी देख लीजिए, ठीक है? सो वन एंड ओनली निक्की तिवारी गाइस, ये देखिए निक्की का आज का लुक। सो गाइस भैया के कलीग लोग आए हैं ऑफिस से, आपको मिलाते हैं उन लोगों से। सो हियर इज आपका शुभ नाम क्या हो गया? मंजीता। मंजीता आपका नाम? अनामिका। दीदी दीदी जी फिर से मिल जाते। अच्छा ओके तो आप लोग घर देखिए एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो गाइस भैया के कलीग लोग आए हैं यस बैंक से, मतलब यस बैंक का आन बान शान लोग आए गाइस हमारे घर पे, आपको मिलाते हैं। गाइस हियर इज यहाँ देख सकते हो, आप लोगों को बाकी लोगों से मिला दिया हूँ। ये है परिजादा बैंक मैनेजर और शुभम भैया गाइस आप लोग जानते ही है। और आपका शुभ नाम? जी रूपक। गाइस आवर सौरभ भैया क्या हाल चाल है आपका? गाइज आज भैया पहचान में नहीं आ रहे, आप लोग बताओ गाइज भैया कैसे लग रहे कमेंट सेक्शन में। सो गाइज इनसे मिलिए, पहले थे यस बैंक में, उनका आन बान शान थे और अभी चले गए हैं IDFC बैंक में चले गए गाइज। और भैया के बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइज इन्होंने ना न्यू बाइक लिया हुआ है, ठीक है? ये है प्योर बुलेट, तो अभी मैं इसको राइड करने वाला हूँ। तो चलाते हैं इसको और आप लोग जरा देखो हम कैसे लग रहे हैं इसको चलाते हुए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारे मेहमान आए थे वो हमें ये गिफ्ट दिए हैं और यहाँ पे आप पापा लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस ये जो ब्लॉग है ना मैं काफी दिनों बाद मतलब एंड कर रहा हूँ ब्लॉग को, मैं एंड करना ही भूल गया था। अभी गाइस मैं ब्लॉग एडिट करने बैठा लास्ट में गाइस देख रहा हूँ कि मैं ब्लॉग को एंड ही नहीं किया था। यही था बिग सरप्राइज वाला ब्लॉग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, दिखाना चाहता था, ठीक है? तो फाइनली गाइज इस फ्लैट का हमने पार्ट ड्यूटी भी दे दिया और ऑफिशियली गाइज ये फ्लैट हमारा मतलब ऑफिशियली हो ही गया था, अब सबको बता कर भी ऑफिशियली हो गया। आपको गाइज आने वाले ब्लॉग में ना बहुत कुछ मैं बताऊंगा, तो आप लोग बस ब्लॉग के साथ ऐसे ही जुड़े रहूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं गाइज देख रहा हूँ कि ना ब्लॉग का बहुत लोग वेट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच गाइज आप लोग जो ब्लॉग का इंतजार करते हो। बट गाइज ट्रस्ट मी गाइज मैं अब डेली ब्लॉगिंग भी शुरू कर दूंगा धीरे धीरे। आप लोग ऐसे ही गाइज प्यार बनाते रहिए और ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहिएगा। सब लोग गाइज गिफ्ट लेके आए हुए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आए हुए थे, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। मैं गाइज ऐसे अनबॉक्स करते हुए गिफ्ट उसका ब्लॉग नहीं शूट किया,
क्योंकि गाइस शुभम भैया ने मना कर दिया था, वो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता आपका गिफ्ट दिखाना, बट कोई नहीं गाइस, आपको मैं धीरे धीरे करके क्या क्या गिफ्ट मिले सब आपको बताऊंगा। एंड फिलहाल गाइस ये ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। एंड गाइस अभी ना मैं जो आपको बोल रहा था कि होम टूर लाने वाला हूँ, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, जैसे अलमारी का, कैबिनेट का, थोड़े थोड़े काम और बचे हैं, वो भी गाइस फटाफट कंप्लीट हो जाए ना, फिर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का मैं होम टूर लेके आएंगे रहे। तो ये रूम को मुझे और अच्छे से सजाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा होम टूर दे रहा हूँ तो अच्छे से दूंगा ना, हर चीज डिटेल के साथ दूंगा। तो बस गाइस थोड़ा सा वेट करो, इसलिए लेट हो रहा है। एंड फिलहाल गाइस ये ब्लॉग को एंड करता हूँ। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, यही रूम के साथ, यही फ्लैट के साथ, यही मस्ती मजाक के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय, लव यू ऑल।